ah, cara. <todos> बिसम असलम क्या आज है मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब लोगों का आई होप जी कि सब लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अच्छा आज का भी लोग जो है ना मैं जैसे कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लेके आऊँगी रमज़ान के हवाले से रेसिपीज़ और अम, कुछ ऐसी टिप्स लेके आऊँगी जिससे आपका रमज़ान जो है ना बहुत ही कम्फर्टेबल गुजरने वाला है आप आराम से इबादत भी करेंगे और इसके साथ साथ इफ्तारी को इन्जॉय भी करेंगे क्योंकि हम ऐसी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ ना जो कि हर घर में फेवरेट होती है बच्चों के भी बड़ों की भी तो जी हाँ जैसे कि आप लोगों ने भी लिया होगा तो मैं ना समोसे आज, आज आप लोगों से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ईजी वे में बताऊँगी आपको और जो बिगनर हैं ना जिन्होंने न्यू न्यू अभी स्टार्ट किया है और उनको बिल्कुल भी बनाने नहीं आते उनके लिए बहुत ही आसान टिप्स के साथ आज मैं लेके आई हुई रेसिपी और इसके अलावा एक और आ, जो है ना वो वेजिटेबल्स किस तरह हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं हाउस पे पालक या फिर साग हो जाए या फिर मेथी मतलब इस तरह की वेजिटेबल जो कि हम लोग बनाने में भी, भी बहुत टाइम लगता है और फिर उसके बाद पकाने को ना बहुत कम टाइम मिलता है या फिर इस तरह करती हूँ मैं तो एक दिन पहले बना लेती हूँ फिर नेक्स्ट डे पका लेती हूँ तो उसके लिए ये वेस्टिप्रिय है कि मैंने सबसे पहले तो ना आप पालक हाथों पर जब लेना तो उसको बॉइल करके आप रख लीजिए और बॉयल करने के बाद आप ऐसे फ्रीजर में रखते हैं अपनी आसानी के लिए जिस तरह मैंने ना आज मैं क्योंकि बना रही हूँ शादियों वाली पालक तो मैंने इसको ना ग्राइंडर के अंदर इस तरह इसको ब्लेंड कर लिया था ना उसको अच्छी तरह से जूसर मशीन के अंदर डाल के ना मैंने इसको ब्लेंड कर लिया तो इस तरह आप जार एयर टाइट जार में डाल के या कोई जो जैसे प्लग बैग होते उसमें डाल के फ्रीज़र कर दीजिए और जब आपने पकाना हो जैसा आपने ग्रेवी रेडी की अगर आपने चिकन में डालना है तो चिकन जस्ट ग्रेवी वाला रेडी किया और इसके अंदर आपने इसको डाल दिया तो बस ये भी एक टिप थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी यहाँ पर तो फिलहाल ना मैंने अभी पकानी थी और एक दिन पहले मैंने इसको बॉइयल करके रखा था और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पर इसको ब्लेंड नेक्स्ट डे को किया था मैंने और यहाँ पर ना मैं फिर चिकन क्योंकि मैंने इसके अंदर डाला था चिकन पालक बना रही थी मैं और ये पालक की रेसिपी ना थोड़ी डिफरेंट इसलिए होने वाली है कि जो शादियों पर हम लोग पालक गोश्त खाते हैं ना ये उस टाइप का बनने वाला है और जब आप बनाएंगे ना तो आपको वाकई वो शादियों वाली जो पाले गोश्त कभी खाया करते थे ना वही आपको याद आ जाएगी तो यहाँ जी सबसे पहले तो मैंने ना प्याज ले लिया था जो कि दो अदद होंगे दरमानी साइज़ के उनको मैंने ना हल्का सा ब्राउन कलर उसका जब गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ है ना उसके बाद मैंने अदरक लहसन का पेस्ट इसके अंदर ऐड किया है और ये अदरक लहसन का पेस्ट भी मैंने फ्रेश फ्रेश अभी रेडी किया था ये मैंने कैसे रेडी किया है इसका जो पूरी जो डिटेल में वीडियो है ना वो मैं नेक्स्ट व्लाग में आपसे शेयर करूँगी इन शाला अच्छा उसके बाद ना फिर मैंने चिकन डाल दिया और यहाँ पर मैं गरम मसाला थोड़ा जिसमें दालचीनी थी और थोड़ा सा ज़ीरा था नमक और कुटी लाल मिर्च पीसी लाल मिर्च और बस ये चीज़ों को डाल के ना मिक्स करेंगे हल्दी डाल दिए थोड़ी सी और पहले ना खाली नमक और गरम मसाला साबुत जो है ना वो डाल के तो इसको पहले ना हम लोगों ने चिकन को ना तीन से पाँच मिनट तक ना अच्छी तरह फ्राई करना जैसे उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा ना उसके बाद फिर हमने बाकी मसाले ऐड करने हैं यानी कि स्पाइसेस वगैरह होगी मिर्ची और हल्दी वगैरह हो गई बस उनको भी डाल के इसी तरह भून लेंगे और जितना अच्छा यहाँ पर चिकन को बनाई करेंगे ना उतने ही मजे का इसका पालक के अंदर टेस्ट होगा और यहाँ पर ना मैंने चिकन सॉरी लहसुन और अदरक का जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ था ना तो जिस बलेंडर में मैंने बनाया था उसके अंदर पानी डाल के वो मैंने थोड़ा सा पेस्ट इसके अंदर से निकाल लिया था बस वही वाला पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है और उसके बाद यहाँ पे जो इसकी रेसिपी की जान है ना साबत काली मिर्च आपने देखा होगा अक्सर शादियों पे जब हम पालक गोश्त खाते हैं ना तो उसके अंदर साबित जो लाल ये काली मिर्च होती है ना ये ज़रूर होती है इसके अंदर तो ये ज़रूर आप ऐड कीजिएगा उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी है और फिर एक दो मिनट के लिए दोबारा से इसको ना थोड़ा सा भूल लेंगे हम लोग क्योंकि पानी ऐड किया था ना तो थोड़ा सा अच्छी तरह इसको सॉफ्ट भी करेंगे और भुनाई भी करेंगे उसके बाद यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ब्लेंड करके रखी हुई थी पालक ये ऐड कर दूँगी अच्छा ये जो है ना ये दो तरीक़ों से बनती है एक तो आप पालक को अलग से पहले फ्राई कर लें थोड़े से ऑयल के अंदर और जब वो फ्राई अच्छी तरह हो जाए पाँच से छः मिनट के लिए हल्का सा कलर चेंज होना थोड़ा सा डार्क कलर जब इसका हो जाता है ना उसके बाद फिर आप चिकन में भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं था मुझे आज खाने में जो थी ना वो जल्दी थी थोड़ी तो फिर इस वजह से ना मैंने ये जो हमने ग्रेवी वाला यानी कि चिकन रेडी कहना है इसी के अंदर डाल के ना मैं इसको भुनाई करूँगी इसकी पालक की इसको फ्राई एक तरह से करूंगी लेकिन आप करिएगा रोज़ यही नहीं कि फ़ौरन ढक्कन देखने नहीं रखेगा तो मैंने भी ना यहाँ पर ढक्कन दे के नहीं पहले रखा था पहले पाँच छः मिनट के लिए मैंने तेज़ आँच पर इसको फ्राई किया था और उसके बाद इसके छीटे क्योंकि बहुत ज्यादा बाहर आ रही थी ना तो फिर मैंने ना मतलब चम्मच के डोई इसके अंदर ही रहकर उसके ऊपर चमक रख दिया था मतलब बिल्कुल ढक्कन नहीं ऊपर मैंने दिया हुआ था नहीं तो फिर फ़ौरन इसका पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है अच्छा इसको हम लोगों ने भुना है मैंने छः से सात मिनट के लिए उसके बाद यहाँ पे ना मैंने दो चम्मच दही के लिए दो से तीन चम्मच दही के लिए लिया और एक चम्मच मैंने दूध का लिया ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये जो है ना ये इसकी सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है इसकी वजह से जो पालक का हम लोग शादियों पर खाते हैं ना जो एक टिपिकल जो इसका टेस्ट होता है वो इसी वजह से आता है कि यहाँ तो आप इसके अंदर दूध ऐड कर लें या दही ऐड करें तो मैंने दोनों चीज़ें ऐड कर ली थी और इससे बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा और जो एक पालक का जो एक टेस्ट होता है ना कि हल्का सा कड़वा सा इसका आता है मतलब जैसे करेलों की तरह उस तरह का टेस्ट इसको जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है ये जब हम दही या दूध इसके अंदर ऐड करते हैं बस इसके बाद ना फिर मैंने इसको पाँच से चार से पाँच मिनट के लिए ना मैंने इसको ढक्कन दे ना दरम्यानी आंच पे रख दिया था और यहाँ पे आप देखें दरम्यानी से और फिर बाद में थोड़े थोड़ी देर के लिए ना मैंने दो मिनट के लिए इसको दम भी लगा दिया था हल्की आंच पे तो उसके बाद देखें कितना आसानी से इसका ऑयल वगैरह ऊपर आ गया और इसकी लुक भी आपको लग रही होगी अच्छा मैंने ज़्यादा डार्क कलर भी इसका किया है हम अक्सर शादियों पे खाते हैं ना वो ज़्यादा डार्क कलर की हो जाती है तो मैंने थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश लुक इसकी रखी है और गर्म मसाला ऊपर से ऐड कर दिया था और यहाँ पे देखिए हमारी कितनी मज़े की पालक रेडी हो गई थी और उसके साथ ना मैंने फिर मूली घर में भरी हुई थी फ्रिज में तो सैलड सा, वगैरह भी था और लेकिन मेरे पास क्योंकि इतना टाइम नहीं था तो मैं आपको बताया थोड़ी जल्दी थी मुझे डिनर में आज तो फिर मैंने जल्दी से हाल ही मूलियों को ही मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया और थोड़ा सा चाट मसाला से ब्रिंकल किया है और यहाँ पर देखे मैं अपनी ही प्लेट रेडी करी थी क्योंकि बहुत देर से मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चले अपने अपने लिए भी कभी कभी इस तरह से ना स्पेशल खाना जो है वो प्लेट में थोड़ा सा निकालना चाहिए खाने के लिए अपने आप के लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए और है नहीं आप सब घर वाले के लिए करें और अपने लिए आपको टाइम ही ना मिले अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए है जी यहाँ पर फिर ना मैंने अपने लिए डिश आउट कर लिया था खाना और रोटी जैसे मैंने आपने दिखाया था मैंने साथ साथ ही बनानी स्टार्ट कर दी थी और इधर जनाब मैंने पालक गोश इंजॉय की उसके बाद जो अब मेन रेसिपी है ना जो मैंने आपसे आपसे बोला भी था कि मैंने आपसे आपसे शेयर करनी है वो ये है जी समोसे की रेसिपी और ये हलवाई स्टाइल के जो तो टिपिकल समोसे हैं ना वो वो मैं आज आपको बनाना बता रही हूँ तो इसके लिए ना मैंने सबसे पहले तो डेढ़ कप यहाँ पर मैदा ले लिया था तो कि मुझे बाद में फिर थोड़ा कम लग रहा था फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया तो टोटल तो यहाँ पर टू कप मैंने मैदे के लिए हैं और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और थोड़ी सी यानी कि हाफ़ टी स्पून आप कह सकते हैं इजवाइन यहाँ पे ले ली थी मैंने उसको हाथ की मदद से ना इसे क्रश कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका आता है बस इसके बाद फिर आप अगर चाहें तो आप ऑयल ऐड कर लीजिए लेकिन अगर आपने क्रिस्पी ले जिस तरह बाज़ार से हम लोग लेकर आते हैं ना बहुत ही क्रिस्पी से हस्ता से होते हैं तो उस तरह के अगर आप लोगों ने बना रहे हैं ना तो आप इसके अंदर घी ऐड कर लीजिएगा तो मैंने दो टीस्पून इसके अंदर घी ऐड किया था अगर आपने क्रिस्पी नहीं रखने है आपको सबसे सॉफ्ट पसंद है तो आप इसके अंदर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे अगर आप चाहें ना तो आप इसको मेल्ट भी कर सकते हैं घी को लेकिन मैंने नहीं मेल्ट किया मैंने इसी तरह इसके अंदर डाल लिया था और अब इन सब चीज़ों को ना अच्छी तरह हम लोगों ने मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से इस तरह मसल मसल के हम लोगों ने और ये देखें इस तरह से हम लोगों ने इसको मिक्स करना है और उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हुआ है कि नहीं उसके लिए इसी ये तरीका है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ हाथ में बकर के इस तरह उठी बना के तो अगर तो आपका ये जो मैदा है ना ये अच्छी तरह एक एडजस्ट हो जाता है एक साथ ही इस तरह मुठ्ठी बन जाती है तो फिर इसको मेंट के ये बिल्कुल आराम से सही तरह से हो गया है मिक्स अच्छा इसके बाद ना फिर मैंने नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी ले लिया था और इसके साथ मैं इसको गूँध लूँगी और यहाँ पे एक और टिप ये है कि आपने जब भी समोसे रेडी करने हैं ना तो इसकी डो जो है ना वो थोड़ी हार्ड रखनी है हम लोगों ने मतलब तो जिस तरह हम लोग पराठे के लिए बनाते हैं घर में आप आटा गूँधते हैं ना उस तरह का सॉफ्ट नहीं रखना है और यहाँ पर लास्ट मैंने ये थोड़ा सा एक पानी अपने हाथ पर लगाया था तो उसके बाद मैंने इसको पानी के बगैर ही इस तरह इसको गूँंदा है मैंने और पानी बिल्कुल कोशिश करनी है कम यूज़ करें आप आ, क्योंकि जब ये हार्ट होगी ना तो फिर हमारे समोसे जो है ना वो हस्ता से क्रिस्पी से बनेंगे नहीं तो अगर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर जो है ना वो जो क्रिसपीपन होता है ना एक उसके अंदर क्रंच होता है एक तरह से एक समोसे के अंदर वो नहीं आता फिर इसको रेस्ट देने के लिए मैंने रख दिया था तकरीबन तो दस से पंद्रह मिनट के लिए और उतनी देर में ना मेरे आलू भी जो थे वो बॉयल हो चुके थे बस इनको भी हम लोग इस तरह हाथ की मदद से मैश कर लेंगे जो इसका होता है ना आलू मैश करने वाला सांचा या कद्दूकश वग़ैरह जो बात लोग लोग करते हैं उससे बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि समोसे के अंदर आपने नोट किया अगर बाज़ार से भी हम लोग जब लेके आते ना तो उसके अंदर कुछ साबुत होते हैं कुछ मैश हुए होते हैं इस तरह के होने चाहिए कुछ पीसीज इसके अंदर आलू के रहने चाहिए अच्छा इसके बाद मैंने आलू के जो मटेरियल बनाया था ना उसको मैं किस तरह मसालों के अंदर मिक्स करूँगी थोड़ा सा मैंने एक टेबल स्पून ऑयल लिया है और थोड़ा सी एक टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर सूखा धनिया डाला था और फिर उसके बाद थोड़ी सी अजवाइन डाली थी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और ज़ीरा नमक पिसी हुई लाल मिर्चें और बस इन चीज़ों को मिक्स कर लिया मैंने मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको मैंने यहाँ पे सूखा धनिया लिया है ज़ीरा लिया है अजवाइन नमक और मिर्ची ली है कुटी हुई भी और पीसी हुई भी अच्छा ये स्पाइसेस ना आप अपने जो है ना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं या जितने आपके पास आलू हों उस हिसाब से आप इसके अंदर डाल लीजिए अब जो हम लोगों ने आलू को भी मैश करके रखा हुआ था ना वो भी इसके अंदर डाल के और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम लोग और ये जो है ना हम लोगों ने ज़्यादा तेज़ आज पे नहीं बनाना लो फ्लेम पे ही इसको हम रेडी करेंगे क्योंकि हमने पकाने नहीं है आलू को बस इसको इस मसालों को इसके अंदर हम लोगों ने जो कच्चा पन वो ख़त्म करना है और इसको मिक्स कर देंगे और बस इसके ऊपर से हम लोग ने थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे अच्छा अगर आपने इसका सुपर टेस्ट लेना है ना तो आप इसके अंदर धनिया भी डालते हैं और इसके साथ थोड़े से पत्ते आप पुदीने के ऐड कर देंगे ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा मुझे पर्सनली जो है ना वो पुदीने वाली अच्छे लगता है लेकिन क्योंकि आज घर में अवेलेबल नहीं था तो फिर धनिया ही था मैंने यही जस्ट ऐड कर लिया और हरी मिर्ची ऐड कर ली हैं अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और प्लीब में बहुत मज़ा आने वाला है आपको अच्छा इसके बाद यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून भर के इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया चाट मसाले के बगैर इसका टेस्ट जो है ना वो इनकम्प्लीट है और इससे बहुत ही मज़े का ना एक जो कहते हैं ना एक स्पाइसी सा चो का आता है वो इसी की वजह से आता है और इसके अंदर क्योंकि हल्की सी खटास भी होती है तो मैंने क्योंकि लीमू का जूस इसके अंदर ऐड नहीं किया तो इसलिए मैंने जस्ट जो है ना इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया इसके अंदर भी थोड़ा सा एक खटास ही होती है अच्छा इसके बाद यहाँ पे मैंने जो रखा हुआ था रेस्ट के लिए मैं देखो और पंद्रह से बीस मिनट गुजर चुके थे उसके बाद इसको जैसे लंबे सा रोल किया है और उसके बाद इसके मैंने छुरी की मदद मतलब से कटिंग एक ना छोटे छोटे से पेड़े बना लिए यहाँ पे मैं आपके साथ दो जो इसका टाइप के समोसे हैं ना बनाने का प्रोसीजर आपसे शेयर करने वाली हूँ एक तो इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए और जिस तरह रोटी हम लोग बेलते हैं ना उस तरह बनाएंगे लेकिन ये थोड़ी सी गुलाई में नहीं लंबी होगी और इसको सेंटर में से कटिंग कर लेंगे और उसका हम समोसे शेप बनाएंगे एक ये तरीका हो गया दूसरा ये था कि मैंने जितना भी मैंने गून के रखा हुआ था ना मैदे का आटा उसको मैंने ना हाफ़ दो पेरे कर लिए थे हाफ अप करके और एक पेरे को इस तरह आपके सामने जैसे मैंने इस तरह बेल लिया था लंबाई शेप में रोटी की तरह ही लेकिन थोड़ा सा लंबी शेप में बेल लिया था और इसके ऊपर ना आप कोई भी सर्कल आपको तो किसी चीज़ का ढक्कन ले लीजिए आप या कोई बोल है आपके पास जिस मैंने बोल लिया आप इसको रखें और आराम से ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी गुलाई में जो है ना वो रोटी कटिंग हो जाएगी बस टाइम को सेविंग के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि टाइम की बचत के लिए अदरवाइज़ क्योंकि हमें तो रोटी की तरह गोल तो हमें चाहिए नहीं हमें तो इसी लंबाई में चाहिए थी लेकिन इससे यह है कि है एक साइज़ के ना समोसे हमारे बनेंगे कोई रोटी छोटी है, कोई बड़ी नहीं हमारी होगी और टाइम भी जो है हमारा इसमें सेव हो जाएगा अच्छा जी यहाँ पे फिर जो एक्स्ट्रा था ना मैदा वो मैंने यहाँ से उतार लिया था उसका अलग से एक छोटा सा पेड़ा बन गया था वो हम लोग बाद में यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे इसको थोड़ी सी लंबाई शेप मैंने दे दी थी और जो जो समोसे की फीलिंग हम लोगों ने तैयार करके रखी हुई थी ना बस इसको अब हम लोगों ने एक साइड पर रख दिया क्योंकि ठंडी हो चुकी थी और यहाँ पर हम लोगों ने रोटी बेली थी ना उसको मैंने सेंटर से चूरी की मदद से कटिंग कर ली है और बाकी की जो भी दोनों जो बेली हुई थी रोटी भी उसके ऊपर भी मैंने ना रखे तो इसको कटिंग कर लेंगी ताकि एक ही सिमिलर साइज़ के ना एक जैसी शेप के हमारे पास जो है ना वो समोसे रेडी हो जाएंगे बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हुए वे और बगैर ज्यादा मेहनत किए हुए देखिए कितने आराम से हमारे पास जो है ना वो कटिंग किया हुआ समोसे की जो कह सकते हैं आप बाजारी समोसे की जो पट्टी थी ना वो हमारी रेडी होगी बस इसको इस तरह आप लोगों ने ना दोनों कॉर्नर को पकड़ के और इसको सेंटर में इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखना है एडजस्ट करना है इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे अगर आपसे इस तरह प्रेस ना हो रहा है थोड़ा सा पानी लगा लीजिए अदरवाइज मेरे से तो इन्ना के बग़ैर भी ये आराम से जो तो है ना एक दूसरे के साथ ही एडजस्ट हो गए थे एक दूसरे के साथ च करती हैं हम लोगों ने और इस तरह कोर्न की शेप में इस तरह से हाथ के ऊपर रखी हम लोग पकड़ लेंगे इसको और जो हम लोगों ने आलू का यहाँ पे मटेरियल रेडी किया हुआ है समोसों की फिलिंग के लिए वो इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह शेल्फ के ऊपर रख के ना आप तो इस तरह से उंगलियों की मदद से ना प्रेस करते जाएंगे तो ये देखिए कितना अच्छा सा जो है ना हमारा समोसे की शेप आ गई थी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मैंने कोशिश की है बहुत ही आसान हुई है आपको बताने की और एक और मैं आपको बता बता दूँगी दोबारा से एक और बना के बता रही हूँ ताकि आपको आसानी हो तो इस तरह से दोनों कॉर्नर को पकड़ना है और एक दूसरे के साथ हम लोगों ने इस तरह एक को ऊपर और एक को नीचे के इस तरह से प्रेस करना है और ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी शेप हमारी बन गई है और इसके अंदर बस दोबारा से ये डाल लेंगे हम लोग आलू की जो आ, फीलिंग हम लोगों ने रेडी की थी और अगर आप हाथ के ऊपर रख के आपको मुश्किल हो रही है तो इसी तरह शेफ़ के ऊपर आप रख लीजिएगा जिसके ऊपर भी आप रख के बना रहे हैं तो उसके ऊपर रख के इसको आराम से फिंगर के मैंने से प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ ना बंद हो जाएगा अच्छा जी यहाँ पे मैंने सारे समोसे जो थे रेडी कर लिए थे और पहले वाले चार जो थे ना वो मैंने आपको जैसे बताए भी थे बाद में जो बाकी के थे ना वो थोड़ा सा मैंने स्टे करके और फिर मैंने रेडी किए थे तो इसलिए वो बाकी के जो चार थे मैंने पहले फ्रीज़र फ्रीज़र कर लिए थे यानी कि फ्रोजन हो चुके थे वो और बाकी के बाद में मैंने रेडी किए हैं तो इसलिए आपको दोनों का ना कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा तो इसको सेव करने का भी इसको स्टोरेज करने का और फ्रीजर में रखने का भी यही तरीका है कि आप सबसे पहले इसको किसी ट्रे में जैसे मैंने रखा हुआ है इसी तरह किसी ट्रे में या कोई भी प्लेट वगैरह आप ले लें इसके ऊपर आसानी से सारे आपके समोसे आ सकें इसके ऊपर रखें लेकिन सबसे पहले आपने इसके ऊपर ऑयल से ग्रीस कर लेना ताकि चिपके ना जब हम इसको उतारे तो रख के उसके बाद मैंने एक घंटे के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था इसको जैसे कि थोड़े से जो है ना वो फ्रोज हो गए थे आ, उसके बाद हार्ड भी हो गए थे ये तो फिर अब हम आसानी से कोई भी आप एयटर जार आपके आपके पास है जो डिब्बे वगैरह होते हैं वो उसमें डाल लीजिए नहीं तो एयर लॉक जिस तरह के मैंने लिया हुआ है इस तरह जिप लॉक बैग जो है ना ये ले लिया था और इसके अंदर मैं सबको डाल के फ्रीजर में रख दूंगी तो जब हम लोगों ने बनाने होंगे जस्ट दो से तीन मिनट पहले हम लोग इसको निकालेंगे और इसको बाद में फ्राई कर लेंगे अच्छा इनको आज फ्राई करके मैं आपको नहीं दिखाने लगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फ्राई करके दिखाऊंगी साथ चटनियों के तो वो रेसिपी भी, भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा तो आई होप कि आपको मेरा आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा जरूर आपने टिप्स को फॉलो कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा रेमजन को बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक और शेयर फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा